हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि क्या आपको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ती है एसिडिटी की वजह से। तो चलिए आज आपको उसको घरेलू उपाय बताएं, बहुत इजी तरीका बताते हैं आपको कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। लगभग लगभग सभी के एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत से कारण है इसके। बाहर का खाना, ज़्यादा तला भुना खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना खाना, या फिर नाश्ते को स्किप करना, लेट खाना खाना, वो भी मसालेदार खाना खा लेना, या फिर पानी कम पीना, या फिर ज़्यादा देर बैठे रहना, ऐसे अनगिनत कारण हैं इसके। एसिडिटी बहुत से कारणों से बन जाती है। हम ऑफिस में बैठे रहते हैं पूरे दिन, उसकी वजह से भी एसिडिटी से बुरा हाल हो जाता है शाम तक। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए आप छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऑफिस में बैठे रहते हैं आप, एक घंटा बैठ लीजिए कंटिन्यू, उसके बाद में आप 5 मिनट के लिए थोड़ी देर टहल लीजिए। इससे क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको इतनी नहीं होगी, कंटिन्यू बैठने से होती है तो ऐसा नहीं हो पाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो मसालेदार खाना होता है वो सुबह सुबह इस्तेमाल ना करें। जैसे नाश्ते का टाइम होता है उस टाइम आप हेल्दी खाना खाइए, लेकिन आप जैसे नाश्ता आपने हेल्दी छोड़ के आपने बाहर का खा लिया, तो उससे क्या होगा, तला भुना खा लिया बाहर से, तो उससे आपको एसिडिटी पूरे दिन परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आपने नाश्ते में आपने हेल्दी चीज़ खा ली, आप घर की बनी हुई बिल्कुल जिसमें मसाला नहीं होता है, नॉन नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो अगर नाश्ते में आपने खा ली हेल्दी, तो आपको पूरे दिन आपको एसिडिटी नहीं बनेगी और आप बिल्कुल सही रहेंगे। तो एसिडिटी का ये भी उपाय आप छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। भूखे ना रहिए, अगर आपको भूख लग रही है तो आप पानी पीते रहिए या फिर हल्का फुल्का कुछ हेल्दी खाते रहिए। और नाश्ता स्किप ना करें, आपने नाश्ता स्किप कर दिया फिर आप जाके लेट खाना खा रहे हैं डायरेक्ट, तो भी आपको एसिडिटी डेफिनेटली प्रॉब्लम कर सकती है, आपको एसिडिटी बन सकती है। तो इन्हीं कारणों से एसिडिटी आपकी बन जाती है। तो आप थोड़ा धीरे धीरे अपनी हैबिट में लाइए कि आप जो कम मसालेदार खाना होता है वो घर का खाना खाएं, कम मसालेदार खाना खाएं। अगर आप बाहर का कुछ खाते हैं तो उसकी भी आप कम कर दीजिए मात्रा, या फिर उसके साथ कुछ हेल्दी ले लीजिए, जैसे आप जूस वगैरह पी सकते हैं। इससे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा और आपको इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आप एक उपाय अपना सकते हैं, रोज़ आपको सुबह खाली पेट जो वीट ग्रास जूस होता है वो पीना है। एसिडिटी आपकी छुमंत रहेगी सुबह सुबह, क्योंकि आपने हेल्दी पी लिया, इससे आपकी एसिडिटी दूर रहेगी, बिल्कुल भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीट ग्रास का जूस पियेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है एसिडिटी को दूर करने के लिए। सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, डेली वीट ग्रास का जूस नहीं पी सकते हैं, और ज़्यादा आपको पीना नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा भर के पी लिया एक ही दिन में, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, एक एक कप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप कभी कभी आप जैसे गिलोय का जूस होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खाली पेट पीना, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप चेंज कर करके पी सकते हैं, डेली आप एक ही चीज़ को रोज़ सुबह नहीं पी सकते, तो आप चेंज कर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप लौकी का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। कभी आप आंवले का जूस पी सकते हैं, जब आंवले आते हैं मार्केट में। आप एलोवेरा, आपके हर दिन एलोवेरा आपके घर में रहता है, तो आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं कभी कभी। तो जो सुबह सुबह जूस के ऑप्शन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और हेल्दी तरीके के जूस के ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके एसिडिटी दूर कर सकते हैं, वो भी ऐसे चुटकियों में। सिर्फ आपको सुबह सुबह इतना सा एक कप आपको इन जूस का इस्तेमाल करना है, पूरे दिन आप हैप्पी रह सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।